हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं 24 वोल्ट 5 एम्पीयर एसएमपीएस रिपेयरिंग के बारे में। दोस्तों ये देखिए, हमारे पास में एक एसएमपीएस है जो कि डेड हो चुका है, यानी ये इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रही है। तो दोस्तों आइए इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज हमने कर लिया ऑलरेडी, फ्यूज सही है। और जो इसका जी ट्रांजिस्टर है इसको चेक करते हैं। आप इसको आईजीबीटी भी कह सकते हैं, मॉसफेट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका जे ये आईजीबीटी है, एकदम ओपन है। तो दोस्तों इसको हम निकाल लेते हैं, ये आईजीबीटी इसका जो है निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया, देखिए इसका नंबर थोड़ा दूर देते हैं, लेकिन इसका नंबर आपको बता देते हैं। ये K6A50D इसका नंबर है। तो इसको एक बार फिर चेक करते हैं। तो देखिए दोबारा चेक कर रहे हैं हम जैसे इसको, तो ये ओपन दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये न्यू, देखिए न्यू एजेंटर लगाते हैं इसमें K6A60D, पहले कहते हैं K6A50D। तो ये 10% वैल्यू का हमने से जो फालतू मतलब एक्स्ट्रा लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको हम लगा सकते हैं और ये सही से काम भी करेगा। तो इसके होल खोल लेते हैं हम। तो ये तीनों होल हम आयरन की सहायता से खोल लेते हैं। तो होल हमने खोल लिए हैं, अब ये न्यू आईजीबीटी इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमने न्यू आईजीबीटी इसमें लगा दिया है, अब इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये हमने अच्छे से इसको सोल्डिंग कर लिया है, थोड़ा और कर लेते हैं ताकि कोई किसी तरह का डिसकनेक्शन ना रहे। और दोस्तों सोल्डिंग करने के बाद में इसके जो टर्मिनल हैं उनकी भी से हम ये ड्यूजी के साथ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद में इसको आप पेट्रोल या कुछ भी आपके पास में है उससे आप इसको साफ कर ले सकते हैं, ताकि कोई किसी तरह का इन टर्मिनलों के बीच में कोई पार्टिकल ना रहे जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हल्का सा थोड़ा सोल्डिंग की दिक्कत है, तो ये भी हमने कर दिया है। तो ये सोल्डिंग हो चुका है इसका पूरा, अब इसको हम दोबारा से असेंबल करेंगे। तो देखिए ये मॉस्फेट लग चुका है। दोस्तों ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, इसको हम टाइट कर लेते हैं। और ये कवर लगा देते हैं इसका। तो ये कवर भी हमने लगा दिया है, अब इसको हम स्क्रू लगा देते हैं और इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये स्क्रू लगा दिए हमने, अब देखिए सप्लाई देंगे इसमें।